भाइयों ने राम राम। किसान भाइयों, खेत किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको जानकारी देंगे मस्कीन मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में, जो आपके सामने जुड़ी हुई खड़ी है 5055E जॉन डियर के ऊपर। तो किसान भाइयों, इसकी पूरी जानकारी आज आपको देंगे, पूरा रिव्यू देंगे इसके बारे में। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही बढ़िया काम करती है ये, आपको चला करके भी दिखाएंगे। आइए शुरू करते हैं यहाँ से। तो किसान भाइयों, ये जो है इसका कटर को उठाने और रखने के लिए जो है पंप के द्वारा ऑपरेटेड की जाती है, प्रेशर पंप से इसको उठाया और रखा जाता है। इसके बाद आपको इसका कटर दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। तो किसान भाइयों, जो साथी नए आए हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वह घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई इस प्रकार की वीडियो डालते हैं तो वो आप तक इसका नोटिस पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सको। किसान भाइयों, ये इसका कटर है। कटर जो है 7.5 फुट का है, यानी कि ओरों में 7 फुट का कटर होने के कारण जो है यह ओरों से जल्दी काम करती है, 0.5 फुट एक्स्ट्रा होने के कारण। कटर किसान भाइयों, जो पीछे दिखाया था आपको, पंप के द्वारा ऑपरेटेड किया जाता है, उठाया और रखा जाता है। आइए इसके बारे में आपको इधर से जानकारी देते हैं। ये किसान भाइयों, इसका जो है यहाँ से अनाज कटने के बाद जो है इसके द्वारा ऊपर पहुँचाया जाता है, और इसके ऊपर पहुँचाने के लिए जो है इसके अंदर सिस्टम बनाया है, चैन सिस्टम। चैन सिस्टम में आप देख सकते हैं कि चैन लगी हुई है बढ़िया मजबूत, और गिरारियों से जो है इसको पाती वगैरह से कट करके बिल्कुल अच्छे से इसको तैयार किया गया है। ये इसका चैन सिस्टम था। इसके बाद बात करते हैं इसके ऑपरेट करने की। ऑपरेट करने के लिए किसान भाइयों, इसको जो है ये फैन बेल्ट का प्रयोग किया गया है। फैन बेल्ट जो किसान भाइयों, दीपक वाले जो है, दीपक एग्रो वाले, ये पिक्स कंपनी के लगाते हैं, जो काफ़ी बढ़िया और अच्छी बेल्ट मानी जाती है, क्योंकि इसका सारा का सारा सिस्टम जो है फैन बेल्ट के ऊपर ही निर्भर करता है। यहाँ से अनाज काट करके इसको ऊपर इस तरफ से ले जा करके यहाँ जो है थ्रेसर है, थ्रेसर के अंदर जो है डाला जाता है। थ्रेसर में डालने के बाद जो है इसका आगे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि थ्रेसर में डालने के बाद जो है इसको यहाँ से अच्छी प्रकार से अनाज को ग्राइंड वगैरह करके साफ करके यहाँ नीचे आ जाता है, और नीचे आने के बाद जो है इसका यहाँ पर टैंक में स्टोर हो जाता है। टैंक जो है इसका लगभग 5 क्विंटल का है, यानी कि 5 क्विंटल का टैंक भरने के बाद आप इसको निकालोगे। और किसान भाइयों, इसके अंदर जो है कणक जो है, कणक और जो बाकी चीज़ें निकालने के लिए इसमें 2 प्रकार की चीज़ें बनाई गई हैं, यानी कि जैसे आप धान का सीज़न है, धान का सीज़न होने के कारण जो है इसके अंदर वो नहीं लगाया गया है, यानी कि भूसे वाली नहीं लगाई गई है जाली। बाकी जब धान का सीज़न नहीं होगा, गेहूँ का सीज़न होता है, तो यहाँ पर जो है भूसा भी साथ में स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर करने के लिए जो है इसके अंदर यहाँ पर जाली लगाई जाती है, और जो जाली है उसके अंदर किसान भाइयों 4 क्विंटल भूसा जो है स्टोर हो जाता है, यानी कि 4 क्विंटल होने के बाद जो है जाली में से आपको भूसा निकालना होगा। आइए आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। इसके अंदर किसान भाइयों 2 पंखे दिए गए हैं। एक पंखा जो है भूसा बाहर निकालने के लिए है, ये वाला। दूसरा भूसा, जैसे अनाज और जो भूसा है इकट्ठा आ जाता है, तो दूसरा पंखा जो है इसको यहाँ से उठा करके वहाँ ऊपर जो है टैंक में डाल देता है, और टैंक में जो है थ्रेसर के द्वारा फिर से उसको साफ करके यहाँ पर नीचे फिर पहुँचाया जाता है, और इस प्रकार से ये सिस्टम इसका चलता होता है। आउटलेट पंप जो है किसान भाइयों, इसके अंदर से अनाज जो है बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद जो है आप अपने ट्राली वगैरह में डाल सकते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पंप को जो है आप साइड में करके भी चला सकते हैं, अगर जगह कम है तो साइड में करके चला सकते हैं, यहाँ पर जो है इसका दाने वगैरह नहीं गिरते होते। इस प्रकार किसान भाइयों, ऊपर से अनाज जो है इस थ्रेसिंग होकर के यहाँ आ जाता है। यहाँ आने के बाद जो है जाली से अच्छी प्रकार सफाई होकर के नीचे स्टॉक में चला जाता है, और स्टॉक में जो है मैंने आपको बताया था कि 5 क्विंटल अनाज जो है स्टोर हो जाता है। ये जो है लिफ्टों से जुड़ती है, आप देख सकते हैं कि ये लिफ्टों पर जुड़ी हुई है, और PTO सापट के द्वारा जो है अच्छी प्रकार से काम कर रही होती है। इस प्रकार से इसका यहाँ तक ये फंक्शन है। इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों, यहाँ से आइए इसके ऊपर चढ़ करके देखते हैं कि इसके ऊपर क्या कुछ फंक्शन इन्होंने दिए हुए हैं। तो किसान भाइयों, ऊपर जो है इसके अंदर काफ़ी स्पेस जो है ड्राइवर के लिए बच जाता है, ड्राइवर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। इसके अंदर किसान भाइयों 2 लीवर दिए गए हैं। एक लीवर जो है अनाज निकालने के लिए, यानी कि आउटलेट पाइप का है,
आउटलेट पाइप में जो है आप अनाज इसके द्वारा निकाल सकते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा लीवर है किसान भाइयों, यह जो थ्रेसर के लिए लीवर है, मान लिए कई बार अनाज गीला है और थ्रेसर जो है इसको अपना जो है पीछे भर जाता है, तो आप जो है इसको रोक करके यहाँ से आगे का सिस्टम रोक लोगे और थ्रेसर जो है बढ़िया काम फिर करता रहेगा। जब थ्रेसर खाली हो जाएगा तो आप जो है इसको दोबारा यहाँ से चला सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों इसकी चलाने की। आप खड़े हैं धान के खेत में, आप देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ धान हैं और यहाँ आपको आज धान में चला करके दिखाएंगे कि यह कैसा काम करती है। आइए मेरे साथ, आप इसको देख सकते हैं कि यह चल रही है, आपके सामने है। इस प्रकार से जो है यह अनाज को काटती होती है। आप देख सकते हैं कि अनाज जो है लगभग इसमें एक फुट की ऊंचाई से जो है काटा जा रहा है। मैं दिखाता हूं आपको, बिल्कुल पास ले जा करके दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से अनाज को काटती होती है। आप देख लीजिएगा, ये लगभग एक फुट की ऊंचाई से जो है अनाज को काट रही है और काटने का तरीका भी इसका काफ़ी बढ़िया है। इसमें किसान भाई जो देखने वाली दो तीन चीज़ें होती हैं, जो मेन चीज़ें जो है इसके अंदर दो तीन चीज़ों में से एक ये आती है कि ये जो है अपने पीछे क्या दाने वगैरह बिखेर रही है या नहीं बिखेर रही है। दूसरा ये है कि जो इसका भूसा है, भूसे के अंदर जो है दाने बचे हुए हैं या नहीं बचे हुए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भूसा है, ये किसान भाइयों इसका भूसा है, भूसे के अंदर जो है दाने वगैरह नहीं होने चाहिए, जो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ये है कि ये क्या ये खाली जगह में दाने बिखेर रही है। आप देख सकते हैं कि इसमें दाने वगैरह कहीं भी बिखरे हुए नहीं नज़र आते। तो इस प्रकार से जो मशीन है अच्छी, उसके अंदर अनाज की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अनाज जो है अच्छी प्रकार से साफ़ सफाई करके बढ़िया निकाला जाना चाहिए। आप देख सकते हैं जो है इसके अंदर बाकी तो अनाज काट लिया गया है और निकाल भी लिया गया है। ये जो है लास्ट के चक्कर जो है डेमो के लिए आपको दिखाए जा रहे हैं। ये 60 धान चल रही है बरनाला डिस्ट्रिक्ट में, बरनाला के पास में जो जगह है वहाँ पर 60 धान निकाली जा रही है। अभी जो है बाकी मेन धान वो जो है समय पर आएगी, जो बासमती वगैरह है ये 60 धान पर आपको चला करके दिखाई जा रही है। आइए मैं जो दूसरी तरफ से इसको चला करके दिखाता हूँ। किसान भाइयों जो बात आती है अब इसके रेट की, मशीन वाले जो हैं दो प्रकार की मशीनें बनाते हैं, मशीन 21 और 21 प्लस। दोनों में अंतर ये है, जो 21 है वह केवल अनाज निकालती है, भूसा नहीं बनाती, और 21 प्लस है जो अनाज और भूसा दोनों एक साथ करती होती है। तो अनाज वाली है जो सिर्फ, उसका रेट किसान भाइयों 4,80,000 रुपये मशीन वालों की तरफ से रखा गया है, और जो दूसरी मशीन है जो अनाज और भूसा दोनों बनाती है उसका रेट जो है 5,30,000 रुपये रखा गया है। अब बात आती है किसान भाई इसको खरीदें कैसे। खरीदने के लिए किसान भाइयों जो है मैं आपको ये सुजेशन दूंगा, आप कंपनी में आइए, कंपनी का एड्रेस और फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंपनी में आइए, चलती हुई देखिए, अपने आस पास जा करके देखिए पहले चल कैसे रही है, आपको पसंद आए तो लीजिए वरना मत लीजिए। कंपनी के कहने पे मत जाइए, आप जो है अपना चलती हुई देख करके तभी लें। तो किसान भाइयों जो है इसके लिए जो कंपनी वाले हैं यानी कि जो दीपक एग्रो वाले हैं वो जो डीलरशिप भी देते होते हैं। डीलरशिप के लिए बात ऐसी है कि जो डीलरशिप लेना चाहता है उसके पास अपने बंदे होने चाहिए, अपना सिस्टम होना चाहिए जिससे वो इसको रिपेयर वगैरह कर सकें। डीलरशिप के लिए जो बंदे हैं उनको जो कंपनी जो है यहाँ पर ट्रेनिंग देगी और 2-4 दिन में उनको जोड़ना खोलना सारी चीज़ें सिखाएगी। सिखाने के बाद जो है आपको फिर ये मशीन की जो है डीलरशिप आपको दी जाएगी। उस दौरान जो आप 4-5 दिन रहेंगे, रहना कहना जो है कंपनी की तरफ से आपका किया जाएगा, बंदोबस्त किया जाएगा। दूसरा, अगर कोई किसान भाई लेता है तो किसान भाई को भी जो है इसमें ये करना है कि लेने के लिए जो है आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करें, कंपनी के पास आइए, आकर के देखिए कि काम कैसा करती है और काम देख करके फिर ही आप इसको लीजिए। आपको जो है कंपनी यहाँ जोड़ करके चला करके दिखाएगी तथा साथ में एक बंदा जाएगा वहाँ चला करके आपको दे करके आएगा। उसके बाद बात आती है ये
कि अगर कोई किसान खरीदता है तो उसकी गारंटी, इसकी पूरी गारंटी रहेगी। किसान भाइयों, आप जो है कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ, ताकि जब भी हम कोई इस प्रकार की वीडियो डालते होते हैं तो आप तक नोटिस आ सके और आप उसका लाभ उठा सको। अपने वीडियो को शेयर करें, अन्य किसान भाई भी लाभ उठा लें, और कॉमेंट करके ज़रूर बताना किसान भाइयों कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम, जय जवान, जय किसान।